वादान नकारे ए पेरा बारा बारी देने मांदेने पारे ने तो खैदा मंगते वेखे बटे दानी मां खैरा मंगते वेखे बड़े दानी मां तेरी रीस कोई नहीं कर सकता महारानी मां तेरी कुमार जगती जगमग ज्योत जगानी मां। जय माता दी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए प्यारे से वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। जैसा कि हमने आप सबसे वादा किया था कि जब भी माता रानी की यात्रा में हल्की सी भी स्नोफॉल होगी, बर्फबारी होगी, तो इसकी पहली वीडियो हम आप सभी तक साझा करेंगे। घर बैठे जो आज के दिन आप ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं, ये माता रानी की यात्रा का आज का ही वीडियो है, जहां पर आप सब देख सकते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन भवन की ऊँची चोटियों पर हल्की हल्की स्नोफॉल, हिमपात, बर्फबारी हुई है। देख सकते हैं अपने आप में अलग सा अनुभूति हमें घर बैठे प्राप्त हो रहा है। अगर आप आगामी दिनों में श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र पावन यात्रा करने वाले हैं तो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गर्म कपड़ा लेकर जाइएगा, क्योंकि जो बर्फबारी ऊपर चोटियों पर हुई है इसका डायरेक्ट असर माता रानी के भवन पर पड़ेगा, वहाँ पर ठंड काफ़ी बढ़ जाएगी। और मैं आप सबको एक बार फिर से बता दूँ कि बर्फबारी भवन में नहीं हुई है, बल्कि माता रानी के पवित्र भवन की ऊँची वाली चोटियों पर हुई है, जो वीडियो आप घर बैठे देख पा रहे होंगे। हाथ जोड़कर सबसे पहले माता रानी के सुंदर पावन पवित्र भवन के दर्शन कर लीजिए। जिस दर्शन को करने के लिए आप बहुत दूर से आते हैं, वो दर्शन हम आप सभी तक घर बैठे पहुंचा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। वैसे बात करें अगर मौसम की, तो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में समय समय पर मौसम बदलता रहता है, समय समय पर यहाँ पर मौसम में चेंजेस होता रहता है। कभी यहाँ पर धूप होता है, कभी छांव होता है, कभी बारिश होने लगती है और कभी तो स्नोफॉल होने लगती है, यानी बर्फबारी होने लगती है। एक बार मैं आपसे फिर से शेयर कर दूं कि बर्फबारी अभी माता रानी की यात्रा में और भवन पर नहीं हुई है, ना ही भैरव घाटी में हुई है। बर्फबारी सिर्फ माता रानी के भवन की ऊंची वाली चोटियों पर हुई है, ना कि माता रानी के भवन पर, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सब घर बैठे माता रानी के भवन के कुछ देर बाद के दर्शन कर रहे होंगे। देखिए कितना खूबसूरत दीदार हमें करने को मिल रहा है माता रानी के भवन का। इसे स्वर्ग न कहें तो और क्या कहें। दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी जरूर लिखिए। बात करें सुविधाओं की तो देख सकते हैं वीडियो में रोपवे पूरी तरीके से चल रहा है, डॉर्मेट्री की सुविधाएं पूरी तरीके से भक्तों को मिल रही हैं, घोड़ा पिट्ठू पालकी है, तमाम प्रकार की सुविधाएं सभी भक्तों को मिल रही हैं। और अब बैटरी कार की बुकिंग सभी भक्तों के लिए ऑनलाइन कर दी गई है, यानी अगर आप ऑनलाइन बैटरी कार बुक करना चाहते हैं, किसी भी एज के हैं, तो आप सब ऑनलाइन बैटरी कार बुक करके अपनी यात्रा को अच्छे से कर पाएंगे, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अच्छा सर्विस श्राइन बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है। और आप सबको मैंने सुबह में ही वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि कोरोना टेस्ट में किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं किया गया है, सारी गाइडलाइन सेम है। इसके अलावा हमने आप सबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए जो वेदर एडवाइजरी जारी किया गया था उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि आने वाले 9 जनवरी तक हमें इसी तरह का मौसम जो है माता रानी की यात्रा में देखने को मिल सकता है। इसलिए यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि अपने साथ गर्म कपड़ा ज़रूर लेकर जाएं। इसके अलावा किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। जो वीडियो आपने अभी देखा ये कुछ देर पहले का ही वीडियो है, और मैं एक बार आपसे फिर बता दूं कि बर्फबारी भवन में, यात्रा में या कटरा में नहीं हुई है, बर्फबारी माता रानी के पवित्र भवन की ऊँची चोटियों पर हुई है। इसका असर माता रानी के भवन पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा YouTube चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। ये तन मन अब हुआ तेरा, रहा कुछ भी नहीं मेरा।